अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इज़्ज़त ताहिर और आप लोग देख रहे हैं कश्मीरी माँ बेटी। आज मैं आप लोगों को वेजिटेबल ऑमलेट बनाना बताऊंगी, वो भी तवे पर और वो भी इतने बड़े साइज का कि आप लोग एक दफा बनाएंगे तो आप लोगों की पूरी फैमिली आराम से खा सकती है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बड़े साइज की प्याज लेनी है, उसको आप लोगों ने स्लाइसेस में काट लेना है। उसके बाद 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया लेना है और 2 टेबलस्पून ही आप लोगों ने कटी हुई हरी मिर्चें लेनी है। और फिर आप लोगों ने एक लार्ज साइज का टमाटर लेना है, उसको आप लोगों ने क्यूब्स में काट लेना है। फिर आप लोगों ने 2 मीडियम साइज के आलू लेने हैं और उनके आप लोगों ने मोटे मोटे चिप्स काट लेने हैं। इसके बाद आप लोगों ने 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून ही साबुत जीरा लेना है। इन सब चीजों के बाद मैंने यहाँ पे ले लिए 6 अंडे। तो अब ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं आलू डाल के उनको थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। स्टेप में आप लोगों ने आंच का खास ख्याल रखना है। चिप्स डालने से पहले आप लोगों ने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और चिप्स डालने के बाद आप लोगों ने आंच धीमी कर लेनी है ताकि आप लोगों के आलू ऊपर से क्रिस्पी ना हो और अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। चिप्स डालने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक चिप्स को पूरे पैन में घुमा लिया था। ये स्टेप करने की वजह से आप लोगों के जो आलू होते हैं या कोई भी आप लोग चीज फ्राई कर रहे हैं तो वो पैन के साथ नहीं चिपकती और जो बाकी चीज होती है वो आराम से फ्राई हो जाती है। चिप्स मेरे हाफ डन हो चुके हैं, अब मैं इसमें ओनियन स्लाइसेस ऐड कर दूंगी और उनको भी पका लूंगी इतना कि वो सॉफ्ट हो जाएं। तो जी, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को मैं फोक की मदद से मैश कर रही हूँ। यही वो इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसकी वजह से हमारा जो ऑमलेट है वो नहीं टूटेगा। आलू और ओनियन मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं, अब उसके अंदर सारी वेजिटेबल्स और मसाले डाल दूंगी। अब मसालों और सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो जी, मसाला और सब्जियां अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर अंडे तोड़ के डालेंगे। तो जी, हमने आखिरी अंडा भी तोड़ के इसमें डाल दिया है, अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जी, ये लीजिए, प्यारा सा ऑमलेट का बैटर तैयार हो चुका है। अब ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया, उस पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है और उस पर मैं ऑमलेट वाला बैटर डाल रही हूँ और इसको फैला लेती हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे एक साइड से पकाएंगे और फिर इसकी साइड जो है हम चेंज करेंगे। ये जी, एक साइड से हमारा ऑमलेट तैयार हो चुका है, अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। कोई भी एक हांडी का ढक्कन ले लीजिए, उस पर आप लोगों ने सीधा करके इसको उतार लेना है और फिर आप लोगों ने उल्टा करके इसको दोबारा से तवे पे रख देना है ताकि दूसरी साइड से भी पक जाए। ये जी, हमारा एक ऑमलेट तैयार हो चुका है, ये देख लीजिए कितना प्यारा कलर आया है। अब दूसरा ऑमलेट भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। तो जी, देख लीजिए बगैर तोड़े हम लोगों ने इतने बड़े बड़े ऑमलेट तैयार किए हैं। आप लोग भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों से इतने बड़े नहीं बन रहे हैं तो आप लोग थोड़े छोटे साइज में बना लीजिए, लेकिन रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जी, दोनों ऑमलेट तैयार हो चुके हैं, अब इसकी फाइनल लुक देखते हैं। मैंने वेजिटेबल ऑमलेट को पराठों के साथ सर्व किया है, ये इसी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे तो इतनी प्यारी स्मेल आ रही है कि मुझसे वेट भी नहीं हो रहा, मैं खाने लगी हूँ। आप लोग भी बनाइए, खाइए और फैमिली से तारीफें करवाइए अपनी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मुझे और मेरी मामा को इजाजत दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।